इससे पहले ममता बनर्जी सरकार को संदेश खाली और शेख शाहजहां के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से भी फौरी राहत नहीं मिली थी। ममता सरकार ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए कोर्ट से अपील की थी, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया था। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश पर अब सीआईडी ने सीबीआई को उनकी कस्टडी सौंप दी है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगली खबर की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बुधवार को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने शाहजहां शेख को आज 4:15 पर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन इस डेडलाइन के 1.5 घंटे बाद शाहजहां को सीबीआई को सौंपा गया। इस बार सीबीआई अपने साथ केंद्र सुरक्षा बल लेकर पहुंची थी। इससे पहले सीआईडी की टीम शाहजहां को मेडिकल के लिए लेकर गई थी। बुधवार को सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम 5 मार्च को दिए गए अपने आदेश को लेकर गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट में LSP दाखिल कर दी गई है, लेकिन अब तक हमारे आदेश पर कोई स्टे नहीं आया है, इसलिए बुधवार शाम 4:15 तक शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि हमने अवमानना को लेकर नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में बंगाल सीआईडी विभाग को हलफनामे जवाब दाखिल करने को कहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दलील दी कि हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के बावजूद राज्य पुलिस ने इस आदेश का पालन नहीं किया है। आरोपी को यह कहते हुए नहीं सौंपा गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था।